हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सबसे स्विस ब्यूटी का मोज आई शेडो पैलेट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो हेल्पफुल रहेगी, पसंद आएगी तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा मेरा चैनल तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इसका रिव्यू मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगी और इसकी प्राइस वगैरह भी मैंशन करूँगी डिटेल में। आप बिना स्किप करें मेरी वीडियो को देखिएगा और इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, मैं इसको अपने आई मेकअप में यूज़ करती हूँ, कितना अच्छा लगता है, इसकी पिगमेंटेशन वगैरह मैं सब आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इस तरीके की ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से बाय करा था, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन आई थिंक। तो मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और प्राइस वगैरह आपको बताती हूँ मैं। और इस पे ऑफ़र वगैरह चलते रहते हैं, जो सबसे सस्ता वाला होगा वो आपको मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ था, तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाती हूँ। स्विस ब्यूटी ब्रांड के बारे में आप सबको पता ही है, स्विस ब्यूटी कितना अच्छा ब्रांड है और इसके आई शेडोज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये इस वाला तो सबसे टॉप का नंबर वन का है, इसलिए मैं आपसे सोचा कि रिव्यू शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन तो अमेजिंग है। दिखाने से पहले आपकी इतनी तारीफ़ें कर दी, आपको दिखाना ही दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके के यहाँ पे आपको 10 कलर्स मिलते हैं, 10 शेड्स हैं यहाँ पे। सारे शिमरी शेड हैं लेकिन इनकी शिमर की पावर इतनी अमेजिंग है, आपको अभी स्वेच करके दिखाऊंगी तो आप देखना। मैं इसे यूज़ करती हूँ इसलिए थोड़ा सा ये नया नहीं है, लेकिन मैं इसको यूज़ करने के बाद ही आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट नया हो और फिर रिव्यू कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं। यूज़ करने के बाद बताओ कैसा है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके यहाँ पर एप्लीकेटर ब्रश मिलता है, ये एप्लीकेटर ब्रश आपको इसमें रिसीव होगा इसके अंदर ही। और यहाँ पे इस तरीके के आपके शेड्स हैं, तो मैं आपको पिगमेंटेशन यहाँ पे वन बाय वन दिखाती हूँ करके। ये है फर्स्ट पर्पलिश और थोड़ा पिंकिश कलर का है। वाओ कितनी अच्छी पिगमेंटेशन, लाइटिंग पावर आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग है। आपको यहाँ पे देखिए अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये वाला आई शेडो पैलेट, इसलिए सोचा कि आप सबसे मैं शेयर कर ही देती हूँ। नेक्स्ट ये पर्पल वाला शेड, ये भी बहुत ये भी बहुत अमेजिंग है। आप देख सकते हो दोनों पे लग गया, उस पहले वाले पे भी। तो इसकी भी लाइटिंग पावर कितनी अच्छी लग रही है, इसको भी स्वेच करके दिखाती हूँ कितना हल्के से करा है मैंने बिल्कुल, और कितनी अच्छी इसकी लाइटिंग पावर लग रही है। नेक्स्ट ये गोल्डन और येलो शेड का है, ये भी बहुत ज़्यादा, देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन है, मतलब हाईली रिकमेंडेड ये आई शेडो पैलेट है। इसकी स्वेच देखिए कितना, जैसे कि इसमें है ना बिल्कुल वैसे मेरे हैंड पे आ रहा है, और बिल्कुल मैं ऐसे नहीं कि कसकी मैं कर रही हूँ स्वेच, एकदम हल्के लाइटली मैंने हैंड से करा है, फिंगर से, और कितनी अच्छी पिगमेंटेशन आई है। नेक्स्ट ये ग्रीनिश कलर का है, ग्रीन कलर, सारी ड्रेस के अकॉर्डिंग आपके कलर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ग्रीन कलर का स्वेच करके, वाओ जैसे कि उसमें पैलेट में है वैसे ही शेड्स आ रहे हैं एकदम, और बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रही मैं, बिल्कुल लाइटली फिंगर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो आप देख लो यार कितना बढ़िया है ये। नेक्स्ट ये है थोड़ा सा कॉपरी शेड में है, पहले मैं अपना हाथ साफ कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो फिंगर मैंने साफ़ कर दी है, तो आप ये देखिए सिल्वरिश कलर का है थोड़ा ये शेड, कितनी अच्छी लाइटिंग लग रही है यार, मैंने बिल्कुल एफर्ट नहीं करा बट फिर भी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब मैं आप दिखाती हूँ आपको करके ग्रीन के बाद ही, वाओ यार कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे सबसे बेस्ट पैलेट लगी है अब तक की अपनी। तो चलिए नेक्स्ट ये कॉपरी शेड में फिर से है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हटके, इसको भी मैं स्वेच करके दिखाती हूँ। इसकी भी लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ओह माय गॉड मैंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करा यार, कितना अच्छे से स्वेच हो रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे शेड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और ये इसकी प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ 250 के अंडर ही है, इससे हाई का नहीं है ये। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करना, और हो सके तो मैं इसका साइड में पिक भी लगा दूँगी कितने का लिया था मैंने। तो अब ये रेड कलर का है, रेडिश कलर, ओ माय गॉड कितनी अमेजिंग लग रही है इसकी पिगमेंटेशन यार, मन कर रहा जल्दी से मैं आई मेकअप क्रिएट कर लूँ, कोई इसकी कोई वीडियो बना लूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ मैं कि कोई आई मेकअप करूँ इस आई शेडो पैलेट से। अब ये पर्पल कलर का शेड है, वाओ ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है यार,
सारे कलर इसमें आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको पार्टी वेयर ड्रेस में यूज़ करना चाहो आप। अब नेक्स्ट एक फिंगर बची मेरी, ये ब्लैक कलर का है शिमर शेड। ब्लैक कलर थोड़ा इतना पिगमेंटेड नहीं लग रहा, लेकिन यार ठीक है, ब्लैक के हिसाब से ज़्यादा पिगमेंटेड होगा तो ब्लैक ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये शेड्स आप देख सकते हो, बाकी सारे शेड्स एक नंबर लग रहे हैं, ख़ास करके मुझे सारे ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन गोल्डन यार मेरा, लेकिन ये पर सिल्वर और गोल्डन कलर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। देखिए गोल्डन की लाइटिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, इनके कोई पिगमेंटेशन तो यार बहुत ही कमाल की, इनमें कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है कि जो झड़ जाएंगे, या कुछ भी फॉल आउट नहीं है इसमें, विदाउट फॉल आउट है। और बहुत ही अच्छा है इस लड़की का, इतनी अच्छी प्लास्टिक बॉडी में इसको मुझे ये मिला। आई शेडो पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी, इसमें आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। ये मोज आई शेडो पैलेट है, बहुत ही फेमस है, इसको आप ज़रूर बाय कीजिएगा। और इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, इतने अच्छे पिगमेंटेशन आपको किसी भी हाईली ब्रांडेड आई शेडो पैलेट में ही मिल सकती है, कि जो कि बहुत ही हुडा ब्यूटी वगैरह, खैर उससे ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन ये कि उसकी टक्कर पे है हुडा ब्यूटी, या फिर कोई भी आप ब्रांडेड ले लोगे आई शेडो पैलेट, उसकी टक्कर पे है ये। स्विस ब्यूटी तो ब्रांड है, बहुत ही अच्छा जाना माना, इसके प्रोडक्ट तो सारे ही अमेजिंग होते हैं। इसका कंसीलर भी एक नंबर होता है, वो तो मैं हमेशा अपने आई मेकअप में कंसीलर ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए पिगमेंटेशन कितनी बढ़िया लग रही है यार, सिल्वर कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाती हूँ मैं आई मेकअप की इस आई शेडो पैलेट से, और आप सबसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस आई शेडो पैलेट को आप ज़रूर बाय कर लेना जल्दी से, स्टॉक आउट होने से पहले पहले। 250 के अंडर है, बहुत ही अमेजिंग है, इतने कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी पिगमेंटेशन मिल रही है, वो आप तो देख लो जल्दी से बाय कर लो जितना जल्दी हो सके। इससे कम रेंज में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और महंगा ही मिलेगा, मेरे ख्याल 300 से ऊपर का ही मिलेगा, बट आप जल्दी से बाय कर लो जैसे ही आपको मौका मिले। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सबको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।